हेलो बच्चों, मैं आमिर चिंदड़। और क्या हाल चाल आप सबके? सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं अगले 4-5 लेक्चर्स में, वो बहुत ज़्यादा खास है इस चैप्टर को लेके, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी वहाँ से बन सकते हैं। देखिएगा, मैं पहले एक बार आपको बात बताऊँ। पहली बात तो मेरी ये वो बात कोई भी बात बताने से पहले कि प्लीज़ ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, और बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके आपको काम आएंगे, राइट? तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ कंप्लीट देखना, पूरी की पूरी देखना, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और अगले लेक्चर में आपको हर बात समझ में आए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं कि पहले हमने क्या पढ़ लिया था। बच्चों, पहले हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मतलब? सर, मतलब ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं आपको एक वायर दिखाता हूं, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ये मेरे पास एक वायर है, और मान लेते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके साइड में हम कंपास लेके आए, तो वो कंपास डिफ्लेक्ट होता था, और हमने कहा था कि इस करंट कैरिंग वायर के साइड में, करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, आरएसटेड एक्सपेरिमेंट में ही बताया गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को चलाया, उस मैग्नेटिक फील्ड में इवन कंडक्टर को चलाया, तो क्या क्या इफेक्ट आए। अब हम सीखेंगे कि जो इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, कितना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साइड में डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या डायरेक्शन होती है, किस किस तरह से हम उसको रिलेट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो मैं आपको सिखाऊंगा बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट्स लॉ, या फिर इसको बीओ सावा कहते हैं वैसे हम लोग, बट इस बायो सावर्ट्स लॉ ने क्या कहा था। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बेसिकली कंडीशन बनाई थी, कंडीशन बताई थी कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के साथ। ध्यान से सुनना मेरी बात। इससे पहले तब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला बताया था, उससे पहले इन्होंने कॉपी पेस्ट किया, यानी कि चीज़ों को देखा। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके थे, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो डेवलप हुआ था, उसी की तर्ज पर, बेसिकली उसी के कंडीशंस देख करके इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, बट थोड़ा सा चेंज उसमें था। एक कंडीशन मैं आपको और याद दिलाता हूँ। अब उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ लिया था हमने, न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हम लोग ग्रेविटेशन में किस तरह से हम लोग ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, हर एक बात बताते हुए चलूंगा, आपको फील आएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा चीज़ों को। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हुई। यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ कि अगर ये आई इंटेंसिटी है, नॉट आई इज नॉट द करंट, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, में इसको आई जी लिख रहा हूँ इसलिए। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये डिपेंड करती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने, नॉट मैग्नेटिक, ये ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया किसने, मास ने, यानी कि सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिवाइडेड बाय जितनी दूर बना इनवर्स स्क्वायर लो अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हुई। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब क्या होना चाहिए, ये जी तो कांस्टेंट था, तो अब क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट, बहुत सही। इसके साथ जितने जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो क्वांटिटी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज होता है भाई, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो हम बातें कर रहे हैं, वो पॉइंट मास की बात हमने यहां पे की, पॉइंट चार्ज की बात यहां पे की। अब हम आ गए मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट, और डिवाइड में क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लो। ये आइडिया मिला था इस बीओ सावा को, इन दोनों को ये आइडिया मिला, उस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेवलप किया। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा लॉजिक है, वो लॉजिक आप सीख लीजिएगा। तब हम एक मास की बात कर रहे हैं, दैट्स ओके, पॉइंट हो सकता है। तब हम चार्ज की बात करते हैं, दैट्स ओके, पॉइंट हो सकता है। तब हम करंट की बात कर सकते हैं, पॉइंट कैसे होगा भाई, करंट पॉइंट नहीं हो सकता, करंट तो फ्लो होगा कहीं से ना कहीं से। मान लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट के केस में लेंथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेंथ इन्वॉल्व होगी, लेंथ इन्वॉल्व होगी, तो हम अकेले करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालने पॉसिबल नहीं। तो हमें वहां पर इस करंट की जगह पर एक नई क्वांटिटी डेवलप करनी पड़ी, और उसका नाम रखा गया करंट एलिमेंट।
बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बातें, करंट एलिमेंट क्या होता है? अब करंट एलिमेंट वो छोटा करंट, कैसे छोटा करंट, मान लीजिए मैं करंट एलिमेंट की बात करूं तो करंट लेंथ वाइज फ्लो होगा, करंट इस लेंथ में फ्लो हो रहा है, इतनी वायर है, तो मैं उस लेंथ का सबसे छोटा एलिमेंट क्या ले सकता हूं? आंसर है मैं उसका छोटा एलिमेंट ले सकता हूं डीएल। मान लीजिए ये छोटा एलिमेंट डीएल लेंथ का लिया गया, राइट। इसमें कितना करंट फ्लो हुआ? कहते हैं इसमें करंट आई फ्लो हुआ, तो ये करंट एलिमेंट कितना बना? आई डॉट डीएल इज इक्वल टू व्हाट? करंट एलिमेंट। फिर से यहां पर एक सिंगल चार्ज लिया, कोई दिक्कत नहीं, मास लिया, कोई दिक्कत नहीं, करंट ऐसे ले सकते थे? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें? लेंथ चाहिए ही, तो इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के लिए क्या लेना पड़ा? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट आइडियल, और बाकी चीजें सेम है। हाँ, कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? आइडियल। क्यों लिया आइडियल? मैंने आपको समझाया क्या कहते हैं आइडियल को, करंट एलिमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ, कैसे समझा गया, कैसे सोचा गया? देखो, बेयर साइवर्स ने इस तरीके से उसको समझाया था। उन्होंने कहा हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे मेरे पास ही कंडक्टर रहा, फिर वो कहते थे कि भाई साहब इस कंडक्टर में हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट। ये मान लीजिए मैंने कहने को बहुत छोटा है बट बहुत बड़ा सा बनाया है, ये मैंने मान लीजिए आई डी एल एक करंट एलिमेंट अज्यूम किया, आई डी एल। इस करंट एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है या इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऑलराइट। तो इसका मतलब इस डीएल की लेंथ भी किधर है? वो लेंथ भी इधर ही है। इस आईडीएल करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर हमने कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है भाई, पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट पी पर उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए। उन्होंने क्या कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए। अब अगर हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो वो मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो बहुत छोटा सा आएगा। क्यों बहुत छोटा सा आएगा? क्योंकि हमने एक छोटा करंट एलिमेंट लिया। अगर छोटा लिया तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? डीबी। अगर मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा आएगा डीबी, वो तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा कितना होगा उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पी की एक पर्टिकुलर लोकेशन है। कैसे? इसलिए पर्टिकुलर लोकेशन है क्योंकि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पी को मैं यहां पर लेता हूं तो ये ऐसी एक लाइन आएगी, और ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर थीटा, ये चेंज हो जाएगा। फिर से ये जो थीटा है डीएल और आर के बीच का, ये हर पॉइंट के लिए अलग अलग है, और इस चीज पर डिपेंडेंसी है कि कंडक्टर कैसा रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कंडक्टर से दूर एक पॉइंट पी, यहां पर ये पॉइंट पी है मान लीजिए, तो ये कंडक्टर ऐसा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और ये कंडक्टर ऐसा रखा है तो कुछ और, ये कंडक्टर ऐसे रखूंगा तो कुछ और। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन कर देता हूं तो इस कंडक्टर को, कंडक्टर के ओरिएंटेशन से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब यहां पर थीटा का रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा का रोल नहीं था। सिखाऊंगा मैं सारी बातें आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा अगर मैं निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओहो, ये तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं लग रहा जैसे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे हम लोग। 4 पाई तो वही है 1/4 पाई, तो बट वहां पर क्या होता था, यहां पर एप्सिलॉन नॉट नीचे होता था, यहां पर ये कांस्टेंट म्यू नॉट है, ये भी म्यू नॉट ही है, नॉट ही यानी कि फ्री स्पेस के लिए ही है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, इसकी डिस्कशन कांस्टेंट की मैं करूंगा आपसे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट इनटू क्या, आई डी एल अपॉन डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। एक बेसिक फॉर्मूला बनाया हमने जस्ट केवल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर हम इसका डायरेक्शन वाला पार्ट लें तो क्या होगा भाई? डायरेक्शन वाला पार्ट लेंगे तो क्या आएगा? डीबी वेक्टर। भाई सब सारी बातें सिखाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं, हर एक बात बताऊंगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, अगर यहां पर मैंने डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी का साइन लगाया हुआ है तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी। आईडीएल कौन है भाई? करंट वेक्टर क्वांटिटी क्या? नहीं, डीएल है क्या? हाँ, डीएल तो है। इसके साथ वेक्टर क्वांटिटी किसको लें, किसको हमने सोचा, तो देखा डिस्टेंस को ले लेते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपॉन में भी क्या होगा, आर स्क्वायर तो था ही, ऊपर भी करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा आर क्यूब। आर कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बना? ये वाला फॉर्मूला बना हमारे पास वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट सर, आप सर थीटा को यूज नहीं कर रहे कहीं पर भी, हाँ मैं करता हूं। अगर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाऊंगा यहां से तो क्या होगा? तो दैट डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो क्या आपका
एस इज वही कॉन्स्टेंट है इंटू आई डी एल, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, साइन थीटा। भाई साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के लिए, हाँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय आपका आर से आर एक कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा भी इन्वॉल्व हो गया। भाई ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड की बातें बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बातें बता रहा हूँ बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो इस तरीके से निकालना सीखा, कैसे आइडिया आया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, यहीं से जो पुराना अपना चलता रहा था उसी आइडिया आया था। आइडियल क्या लिया बीच में हमने, करंट एलिमेंट, क्योंकि पॉइंट के लिए हम बात कर नहीं सकते, करंट एलिमेंट एज्यूम किया, तो करंट एलिमेंट को यूज कर हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मला निकाल दिया। अगर हम मेरी बात को ढंग से सुनना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल पाए तो डायरेक्शन निकालना भी जरूरी है। हाँ मैं कॉन्स्टेंट के बारे में बात करूंगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन निकालना जरूरी है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें भाई साहब, डायरेक्शन की वाली बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करूँ, यहाँ कर लेता हूँ ए, इधर पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग, तो मेरी बात को फिर से कान खोल के सुनना, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग निकाला करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड होगा सबके पास, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबके पास हो, इसलिए कि तब आप अप्लाई करें तो चेक कर लें कभी आप लेफ्ट राइट का पॉपअप कर दें, राइट हैंड ही यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है वो। राइट हैंड पाम रूल क्या, ये वाला अंगूठा ऐसे, ये पाम हथेली और ये उंगलियाँ जो ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे पीछे नहीं मुड़ती, ऐसे मुड़ेंगी, वो क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। थंब किसके लिए होता है भाई साहब, थंब का यूज़ होता है बीएल, करंट एलिमेंट, राइट, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, बेसिकली करंट की जो डायरेक्शन है। और पाम किसके लिए होता है, हथेली किसके लिए काम आती है, दिस इज फॉर आर मीन्स डिस्टेंस। और फिंगर्स किसके लिए यूज होती है, तो फिंगर्स का यूज यहां पर है भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। ये आपको यहां पर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और निकाल के बता दूं, इस पॉइंट पर डीबी की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, कैसे, आइडियल तरफ अंगूठा राइट हैंड, राइट हैंड आइडियल तरफ अंगूठा, ये आर की तरफ क्या पाम हथेली, ऐसे आर की तरफ, और अंदर मुड़ेगी ना उंगलियां भाई बाहर, अरे हाँ ऐसे थोड़ी ना मुड़ सकती है, ऐसे अंदर ही जाएंगी, तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ चली गई, अंदर की तरफ, ए ए आई डी आई बेसिकली आई डी एल, ये आर, और यहां अंदर की तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्लियर है, आ गया होगा भाई। इधर अगर आइडियल में यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि डीएल यानी कि इसकी डायरेक्शन, आइडियल की डायरेक्शन अंगूठे से, ये आपका क्या है आर, और यहां का आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर निकाल के बताइए पॉइंट पी ए ऐसे है, जरा बता दीजिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में, हाँ कि अगर पॉइंट पी मैंने यहां पर लिया इससे इस तरफ, बता देना भाई साहब, देख धोखा नहीं, आंसर जरूर दीजिएगा। यहां से यहां पर अच्छा लगता है मुझे, यहां से यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बताइए वो इनवर्ड आउटवर्ड कैसा और क्यों, क्यों तो छोड़ो यार क्या बताओगे, आप बता सकते हो ना, चलिए बता देना आप। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग बीओ सावर्स भाई साहब का नियम यूज करके किस तरह से, भाई साहब के भाई साहबों का नियम यूज करके किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं, आप एक बार इसे चिपका दें फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, क्या सिमिलरिटीज हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाला हूं। प्लीज आप जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में चिपका लें, हर एक बात लिखनी है आपको। अच्छा आप लोग प्लीज अगर नहीं लिखा है तो आप लोग पोज करके लिख लिया करें या पीछे कर लिया करें उसको वीडियो को। अब मैं हम लोग सीखने वाले कि बायो सावर्ट्स ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और उन्होंने जो आइडिया लिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने क्या मान लिया इसको डी क्यूब अपॉन आर क्यूब कर लिया, आर स्क्वायर कर लिया था। ये बातें हमने पढ़ ली थी, मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में और क्या क्या डिफरेंस है, ये बातें सीखने वाले काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सुनना मेरी बात, देखें देखना क्या क्या निकलते हैं। सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, सिमिलरिटी क्या 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 समानता है भाई, दोनों में आर स्क्वायर आता है, इसका मतलब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या हुई आपकी, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड सिमिलरिटी क्या हुई, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, आप बात करिएगा ये आर कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, हाँ अगर मान लीजिए मैं बात करूँ फील्ड का इफेक्ट कहाँ तक बहुत दूर तक जाएगा भाई, तो इसका मतलब दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इसका मतलब क्या माना हमने कि दोनों ही फॉलो करती हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फील्ड बेसिकली हम इसे बोले।
तीसरा है फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों ही फॉलो करती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों के पास जो डायरेक्शन है वो उस आर के साथ रिलेटेड है, और आर के साथ रिलेटेड हम क्या कहेंगे कि उनको हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, उनका टोटल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा, और दोनों वैक्टर क्वान्टिटी भी हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करती हैं। बच्चों ये अपना सिमिलरिटी वाला पार्ट था, ये सेम बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस पर, क्या क्या डिफरेंस है उनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास डिफरेंस है। देखो क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EF यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्केलर क्वांटिटी बनाती है, कौन है वो स्केलर क्वांटिटी, आंसर है चार्ज। चार्ज भाई चार से बनती इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार से बनती तो चार्ज क्या है, स्केलर, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बेसिकली बोलना चाहिए मुझे। तो ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गुण एक स्केलर क्वांटिटी है। बट उससे अपोजिट अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बनाती है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए हमने क्या लिखा उसको आइडियल साइन थीटा डीएल। आइडियल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल की डायरेक्शन होती है कहां पर, अलोंग द करंट। तो ये इसमें डिसिमिलरिटी वाली बात हुई, यानी कि डिफरेंस वाली बात हुई। दूसरा डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस था, ये दूसरा डिफरेंस की बात करता हूं मैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आर। हाँ ये एक चार्ज है, यहां पर मैं लिखता हूं इसे, यहीं लिख देता हूं, ये एक चार्ज है और चार से आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर आप बताइए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अलोंग होगी, या तो इधर मानिए या फिर इधर मानिए। आप ऐसा नहीं कि इधर उधर कर देंगे, इस लाइन ज्वाइनिंग के, इस आर के अलोंग ही आएगी, या तो इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स, याद रखना अलोंग, राइट, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं जरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द आर। अभी तो सिखाया मैंने दिस विज वॉट आइडियल मीन्स डीएल मीन्स करंट की डायरेक्शन, ये पाम हथेली किसकी डायरेक्शन, हथेली आर की डायरेक्शन, और आर से परपेंडिकुलर, आर से परपेंडिकुलर तो इधर या फिर इधर एक ही डायरेक्शन में, आर से परपेंडिकुलर होगी क्या हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज वॉट परपेंडिकुलर टू द आर, ध्यान से सुनना, सारी बातें पढ़ाई मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड डोंट डिपेंड्स ऑन एंगल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल थीटा की कोई डिपेंडेंसी नहीं है भाई, सब ये थीटा के इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी पर नहीं है। तब की मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, एंगल थीटा का यूज है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। और इस पे बेस छोटी सी कहानी मुझे आपको समझा देनी चाहिए क्या कि इस तरह की डिपेंडेंसी क्या है, और इसको हम लोग कई बार स्पेशल केस बोल के भी पढ़ा करते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, क्या क्या स्पेशल केस है भाई साहब, भाई सोचने वाली बात नहीं है यार। अगर ये एंगल थीटा अगर जीरो हो गया, जीरो हो गया कैसे, मतलब थीटा, चलो इसको समझाता हूं मैं, थीटा अगर जीरो हो गया या 180 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का खात्मा हो जाना है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे, जैसे मैं एक कंडक्टर की वायर लेके आता हूं आपको, समझाता हूं कैसे इसको समझते हम। हाँ देखिए, इस कंडक्टर की बात कर रहा था मैं आपको, बता रहा था कि अगर थीटा एंगल जीरो हो गया, जैसे मान लीजिए ये है आपका आर, ठीक है, ये यहां से इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर है। अब बताइए इस आइडियल यानी कि इस कंडक्टर इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये ऐसे करके यहां पर आ गया, ये जो आर आ रहा था ये ऐसे करके बिल्कुल इसके सीध में आ गया, थीटा जीरो हो गया, 90 से कम होते 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 जीरो, यानी कि इफ द पॉइंट पी ऑन द लाइन या ऑन द कंडक्टर, जो करंट करिंग कंडक्टर है उसके उसके ऊपर अगर वो पॉइंट पी आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, फील्ड नहीं बनेगा, फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर थीटा आपका जीरो है, 180 है, मींस पॉइंट ऑन द लाइन है, पॉइंट ऑन द लाइन, या मुझे कहना चाहिए कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर या लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, जीरो। और अगर थीटा, अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 हो गया, तो साइन 90 क्या, साइन 91, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका भाई साहब, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सर आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सही है यार, इसके बारे में तो बता दो भाई। अरे ये क्या कहानी है, म्यू नॉट अपॉन 4π कॉन्स्टेंट है, तो है इसकी वैल्यू क्या है, क्या रिलेशन है, आइए आप इसे लिख लें, फिर मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है ये। चलिए कॉन्स्टेंट्स की भी हम बात कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भी रिलेट कर लेते हैं, किस किस तरह से हम लोग इनको रिलेट करते हैं। आइए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बेसिक से आपको समझाता हूँ, रिलेशन बिटवीन, ऐसा भी हम इस टॉपिक को लिखा करते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसी के अंडर मैं बढ़ा रहा हूँ इसे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको हम रिलेट करेंगे इन कॉन्स्टेंट्स से। देखिए 1/4π ε0 आपका जाना पहचाना है ना, ε0 इज वॉट, परमिटिविटी, लिख दे भाई अम्बीर, बड़े नालायक बच्चे हैं, परमिटिविटी, राइट, परमिटिविटी,
राइट, दैट इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹⁹। यही होती थी ना, 1/4π⁺ = 9 × 10⁻¹⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरा म्यू नॉट अपॉन 4π की बात करो यार, ये तो हमें पता था यार, म्यू नॉट अपॉन 4π में म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट है आपकी परमिएबिलिटी। ओए होए नया नाम आया, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है, फिर से परमिटिविटी करेक्टरिस्टिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील की जाती है, और परमेबिलिटी भी एक करेक्टरिस्टिक है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील की जाती है, जिसको म्यू नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी, म्यू नॉट फ्री स्पेस की परमिबिलिटी, परमिटिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिएबिलिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई दैट इज इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जैसे ये निकाली थी, ऐसे ये भी निकाली गई, 10⁻¹⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑलराइट, इन यूनिट्स के साथ हमने म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू भी निकाल ली। यार ये म्यू नॉट ऊपर क्यों आ गया, 1/4π कांस्टेंट ऐसा क्यों आया, तो मैंने 1/4π आपको सिखाया था कि सॉलिड एंगल होता है, 1/4π एक ही पॉइंट पे लगाता है, तो वो लगा सकता था कितनी तरफ, अपने चारों तरफ, 4π पे लगा सकता था, एक पे लगाया तो क्या हुआ, वो 1/4π। साथ में क्या, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट अपॉन 4π इज व्हाट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी, ये। अच्छा अगर हम समझें और दिमाग लगाएं और रिलेशन निकालना चाहें, तो हम लोग म्यू नॉट और ई नॉट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी, कर ले भाई, वैल्यूज रख, अरे ऐसा लगता हूँ मैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4π × 4π एब्सिलॉन नॉट, भाई 4π मर जाएगा, हाँ, और क्या बचना है, म्यू नॉट इंटू ई नॉट, और अब इसकी वैल्यूज पुट कर दे तो क्या, म्यू नॉट अपॉन 4π इसके बराबर 10⁻¹⁷ मल्टीप्लाई 1/4π एब्सिलॉन नॉट किसके बराबर था, 4π एब्सिलॉन नॉट, तो 1/9 × 10⁻¹⁹ क्योंकि 1/4π एब्सिलॉन नॉट इसके बराबर है, तो अगर मैं इसको इधर ले और उसको इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 × 10⁻¹⁹। ठीक है, इसको नीचे लेके आता है 10⁻¹⁹ का, तो क्या आया, म्यू नॉट इंटू एब्सिलॉन नॉट इज 1/9 × या फिर मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 9 × 3 × 10⁻¹⁸ का स्क्वायर, 7, 8, 16, 8 स्क्वायर, 3 × 9 दैट इज इक्वल टू दिस, और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁻¹⁸ मीन्स 1/C² क्लियर कट बात है, यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, नॉट रूट ऑफ, 1/√, दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/√ म्यू नॉट एब्सिलॉन नॉट, ये एक रिलेशन सेट हुआ अपना बिटवीन सी म्यू एंड एप्सिलॉन नॉट, स्पीड ऑफ लाइट से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और बात सही भी है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं मैं, ईएम वेव की बात करूं मैं, लाइट की बात करूं, ये सब ईएम वेव है, और ईएम वेव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का रिलेशन है, और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बन के आया है, राइट, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन सब के कॉन्स्टेंट्स की चर्चा हमने की, कॉन्स्टेंट क्या होता है बताया, परमिएबिलिटी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक है मीडियम की, कैसी करेक्टरिस्टिक, जैसी परमिटिविटी थी, भाई रोक देना फील्ड को, काट के कम कर देना, ज्यादा कर देने वाली, तो ये आपकी परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी है। जल्दी से अपनी नोटबुक में चिपका दें, हम इस बेस्ड न्यूमेरिकल खेलेंगे अब, तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस बेस, देखो मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, इस एग्जैक्ट फॉर्मूले पर तो आज तक कोई ऐसा बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है कि एक इसी 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 केवल म्यू नॉट आई पर एक, लेकिन ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि ये किसी ना किसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट हो सकता है, राइट, तो इसलिए ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने कराना जरूरी समझा, और एनसीईआरटी बुक में इसमें इसके क्वेश्चन हैं एक दो, जैसे हम एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, आप लोग एक बार ट्राई करें प्लीज, अगर आपका होता है तो आप जरूर आंसर लिखें विद डायरेक्शन, आंसर विद डायरेक्शन लिखना है, अगर आप समझदार और आप पढ़ रहे हैं मेरी बात को सीरियस लेते हो, जरूर इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें, सही गलत का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप लोगों ने सॉल्व किया क्या नहीं, कहते हैं एन एलिमेंट डेल्टा एल मींस डेल्टा एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस की बात की, डेल्टा एल एलिमेंट मतलब डीएल की वैल्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है वो डीएल लेंथ का जो भी एलिमेंट है, कैरीज अ लार्ज करंट, उसके अंदर काफी अच्छा, काफी हैवी, काफी बड़ा करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर,
व्हाट इज द मैग्नेटिक, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस. उसने कहा वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वाई एक्सिस पर कितनी दूर निकालना है, तो कहता है 0.5 मीटर दूर निकालना है. और उसने साथ साथ इस डेल्टा एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स डेल्टा एल की वैल्यू दे दी है, और वो डेल्टा एक्स डेल्टा एल की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर. माइंड इट, 1 सेंटीमीटर दूर आपको 1 सेंटीमीटर डी एल की डिस्टेंस दी हुई है. डी एल मीन्स आइडियल की डिस्टेंस उसने दी हुई है 1 सेंटीमीटर, और आई की वैल्यू 10 एम्पियर, और कितनी दूर निकालना है वो 0.5 आर की वैल्यू. ऐसा कुछ डायग्राम बनने की कोशिश कर रहे, बनाने की कोशिश कर रहे हम लोग. एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पर ये है आपका छोटा सा डीएल, ये छोटा सा क्या आपका डीएल है, और यहां से एक्स एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर आर डिस्टेंस दूर, कहने का मतलब 0.5 क्या या 0.5 इतना दूर यहां पर आपको कैलकुलेट करना है. यहां पर ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, डीबी इज इक्वल टू व्हाट, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बहुत सही, सबकी वैल्यू दी है क्या, चेक करते हैं भाई हमें मीडियम कोई दिया क्या नहीं. एयर मीडियम में किया उसने काम, एयर मीडियम में काम किया, तो इसका मतलब क्या, एयर मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज व्हाट, 10 पावर परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी. इसका वैल्यू कितना, 10^-7 इंटू आई की वैल्यू कितनी 10 एम्पियर इंटू डी एल की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर. अच्छा 1 सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर इंटू साइन थीटा, कितना एंगल है आइडियल और इस आर के बीच 90 डिग्री. भाई ये आपका क्या है आर, और ये क्या आपका आइडियल, तो ये आइडियल एक्स एक्सिस है और आर वाई एक्सिस है, तो 90 डिग्री. साइन 90 कितना हो गया 1 अपॉन आर कितना है 0.5 डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तुम सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 4 × 10^-8 टेस्ला. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहाँ पर, जहाँ आपको आर डिस्टेंस दूर वाई एक्सिस पर पॉइंट पी दिया गया था. अच्छा ये तो हमने क्या निकाला, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली आपने, बट हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है. अगर हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना राइट हैंड पाम रूल. हाँ राइट हैंड, टिंग टिंग, ये वाला राइट हैंड, तो डीएल की तरफ डीएल, ठीक है ना. आई आई कैप कहा उसने, पॉजिटिव आई एक्सिस आई कैप, ये क्या आपका आर, ये आपका अंगूठा क्या बता रहा है, अंगूठा बता रहा है आपको आई कैप यानी कि इसकी वैल्यू डीएल की वैल्यू. ये हथेली बता रही है आपको क्या, पाम बता रही है किसके बारे में, ये बता रही है आर की वैल्यू, और उसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे बाहर की तरफ, यहां से ऐसे बाहर की तरफ क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज आप कह लीजिए या तो आउटवर्ड, और या आप ऐसा भी कह सकते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट. तो ये आपको यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालने का चांस मिला. बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. मैं डिटेल में सारी बातें बता रहा हूं आप लोगों को, आप प्लीज मेरी बात को ढंग से सुनना, मेरी बात को फॉलो करना जो मैं कहने जा रहा हूँ. आप लोग जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, सबको बड़े ध्यान से सुनो, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को सीखो, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल्स जो मैं करा रहा हूँ वो करो, और एक छोटी सी हेल्प मेरी भी कर दो. आप भले ही इस वीडियो को लाइक मत करो, मैं नहीं कहता लाइक वाइक करो, आप इसको शेयर जरूर कर दो ताकि ये लोगों तक पहुँच जाए. प्लीज़ बहुत से लोगों को ये भी बातें पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी एग्जैक्ट रूट कॉज समझें, फिजिक्स का मतलब समझें कि फिजिक्स पढ़ाना क्या होता है, फिजिक्स में किस किस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सारी बातें वो लोग सीख पाएं बच्चे लोग, क्योंकि ये जो मुश्किल की घड़ी है यहाँ पर जरूरी है कि लोगों की हेल्प हो जाए, राइट. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बातें सीखेंगे कि इसके आगे क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, बायो सावर्ट्स के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. लेकिन आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अब क्वेश्चन अप्लाई नहीं होते, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. इस पर भी मैं एक सेशन, एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी हम लोग वो भी काम करेंगे. बट प्लीज़ आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिए, किताब में से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, यही काम चलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच.